किताबें और औरतें दोनों एक सी होती हैं, दोनों की किस्मत भी एक सी होती है। जब तक वो पढ़ने के लिए मिल न जाए तब तक उत्सुकता बनी रहती है। एक एक पृष्ठ के साथ, एक एक पृष्ठ के साथ उस किताब की समाप्ति तक बस जल्दी से जल्दी जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। पाठक भी एक पुरुष सा ही होता है, पाठक भी एक पुरुष सा ही होता है। उसकी मानसिकता भी एक किताबी कीड़े जैसी होती है। जब तक पूरी न पढ़ ली जाए तब तक ही वो हाथों में रहती है, सीने से लगाई जाती है। किताब में लिखे पात्रों के साथ सुख दुख को भोगता है, जैसे जैसे लेखक चाहता है, लेखक की सोच के साथ वो किताब के पात्रों के साथ जीता है, रोता है, हंसता है, सीखता है, सिखाता है, औरों को भी अपने अनुभव बांटता है। दिन रात जागता है, बस पूरी पढ़ लेना चाहता है। और अंततः वो किताब उसी पुस्तकालय में पहुंचा दी जाती है जहां से लाई गई थी। पाठक फिर नई और पहले वाली किताब से ज़्यादा अच्छी किताब की खोज में जुट जाता है। पर पाठक को उसकी ये आदत कभी संतुष्ट नहीं कर पाती। उसको अलग अलग विषय वस्तु जानने की जिज्ञासा और उससे मिलने वाले रोमांच में ही अपनी सार्थकता समझने लगता है। बहुत सारी किताबों को जानने वाला विद्वान समझने लगता है और फिर एक बार भी लौट कर उस किताब के पास दोबारा नहीं जाता। अलमारी में बंद शीशों के पीछे से सामने बैठे अपने भोक्ता को वो देख रही होती है। उसका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो कुछ दिन के लिए अंदर छुपे सस्पेंस के खुलते ही रद्दी की टोकरी में पहुंचा दी जाती है। 10 दर बरस दर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं, रूह के पट कभी खुल ही नहीं पाते। वैसे भी रूह तो न जवान होती है न बूढ़ी होती है, वो तटस्थ रहती है। बालों में झांकती सफ़ेदी अधेड़ होती औरत को डराती है कि वो अब किसी के मन को सुख न दे पाएगी। बस जरूरत पूर्ति का साधन है, जरूरत खत्म हुई वो भी किताब जैसा जीवन है जीवन जीती है। घर के कोने में स्वयं को स्थिर कर लेती है, न खुशी उसके पास आती है न वो खुशी को ढूंढना चाहती है। मोह माया त्याग कर निर्लिप्त जीवन जीने का ढोंग करने लगती है। कोई उन्हें प्यार से देखे प्यार से उनके भीतर दबे भावों को निकाल सके, छुपे भावों को पढ़ सके, वो भी हैं उनके अस्तित्व को महसूस कर सकें, इसी आशा में पूरा जीवन काट देती हैं। पर कभी ना समझ में आने वाली एहसासों की किताब सी औरतें बार बार पढ़े जाने पर भी समझ नहीं आती, क्योंकि वो जरूरत पूर्ति का साधन है। हृदय तक वो पहुंच ही नहीं पाती, या कहो जिस्म की सुंदरता, जिस्म की ज़रूरत उसकी रूह तक उन्हें पहुंचने ही नहीं देती। उसका जीवन नई प्रकाशित किताब सा और सालों साल बस पुराना होता है, खत्म नहीं होता। सच किताबें और औरतें एक सी ही होती हैं, पाठक और पुरुष की संतुष्टि का साधन ही होती हैं, बस और कुछ नहीं होती। धन्यवाद।